नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। गवर्नर पीएम जेएफ लायन डॉक्टर चौहान साहब के निर्देशानुसार पूर्व गवर्नर मुकुंदलाल टंटन के मार्गदर्शन में कोविड 19 महामारी से आम जनमानस को बचाने के लिए जन जागरण कर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने हेतु नवनियुक्त रीजन चेयरमैन व कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ सामने घाट लंका स्थित रुद्राक्ष रिपोर्ट एवं गंगा तट पर लगभग 50 जड़ी बूटियों वाली पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, लायंस क्लब इंटरनेशनल, जिसका मैं रीजन चेयरपर्सन 321 ई का मैं बना हूँ अभी। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं डॉक्टर चौहान साहब, उनके दिशानुसार हम लोग ने आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम श्री रुद्राक्ष रिसोर्ट के गंगा किनारे माँ गंगा के तट पर हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे और महिलाएं उपस्थित रहीं। और ये वृक्षारोपण हमारे जो गवर्नर साहब हैं माननीय चौहान साहब, डॉक्टर साहब, उनके दिशा निर्देश पर हुआ, क्योंकि आज पर्यावरण के कारण पूरे दुनिया में तबाही मच रही है और पर्यावरण हमारी सुरक्षित रहे और लोग सुरक्षित रहें, लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त हो, लोग स्वस्थ रहें, तो इसके तहत माननीय गवर्नर महोदय ने, जो कि चौहान साहब ने हम लोग दिशा निर्देश, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। और हमारे तमाम रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, लायंस क्लब नटराज के तमाम सदस्यगण आज मौजूद होकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम नागरिकों से भी आह्वान करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और हरियाली हो, ऑक्सीजन बढ़े और ये कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। कितने का टारगेट है, कितना वृक्षारोपण अभी इस एक महीने या दो महीने में कर पाएंगे? हमारे जो गवर्नर साहब है माननीय चौहान साहब और हमारा लायंस क्लब नटराज और हमारे जो सारे जोन चेयरपर्सन हमारे अंडर में आते हैं, सबके सहयोग से हम लोग लगभग बनारस में, जो कि बनारस का नाम कभी सुंदरवन हुआ करता था, उसको वापस सुंदरवन बनाने का प्रयास करेंगे। और लगभग हमारा लायंस क्लब नटराज और हमारे अंडर में सारे जो जोन चेयरपर्सन आते हैं, सबको मिला करके लगभग 50,000 वृक्षारोपण करेंगे। और वो जो भी वृक्षारोपण करेंगे वो ऑक्सीजन वाले पेड़ होंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होगा और लोगों के अंदर एक स्वास्थ्य का एक संचार अनुभूति होगा और लोग स्वस्थ होंगे और हमारा काशी जो है पुनः जो सुंदरवन के रूप में स्थापित हो जाएगा।